दिन ब दिन भारतीय सेना पर आतंकी हमलों की गिनती में इजाफा ही हो रहा है, फिर चाहे बात श्रीनगर में स्थानीय लोगों द्वारा फौज के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार की हो या फिर सुकमा में हुए नक्सली हमले की जिसमें भारतीय फौज के 25 जवान शहीद हो गए हैं, जिसके चलते देश भर में आक्रोश की लहर है और लोगों ने केंद्र सरकार को ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के मुंह तोड़ जवाब देने की अपील की है। यही नहीं, आज पठानकोट में लोगों की ओर से शहीदी स्मारक पर सुकमा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित किए गए। कल सुकमा के जो नरसंहार होया वह बहुत ही चिंता का विषय है। नक्सलियों द्वारा 25 जो जवान ने उन्होंने शहीद किया गया है और इस तरीके की ये 2017 की सब तो बड़ी वारदात है। असी इस गल की मांग प्रधानमंत्री जी की कर रहे हैं कि नक्सलियों को उन्होंने भाषा के ही जवाब दिता जाए। जिहड़े शहीद हुए जवान ने उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि तद है जब उन्होंने उन्होंने भाषा के जवाब दिता जाए। यह बहुत लंबा समा हो गया कि नकल हर रोज़ कई जवानों शहीद किया जाता है, लेकिन सरकार वालों पुख्ता कदम ना चुकने के कारण उन्होंने हौसले बुलंद ने। जागती लाइव के लिए पठानकोट से विजय शर्मा की रिपोर्ट।